हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू और धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पबजी मोबाइल क्या होने वाला है, बैन होने वाला है इंडिया के अंदर या नहीं होने वाला, तो वो आपको आगे डिटेल पता चली जाएंगी कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वो सब आपको आगे पता चली जाएगा। बट इससे पहले वीडियो शुरू हो गाइज, वीडियो को मतलब आप लाइक जरूर कर देना गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरह के सभी कंटेंट और सभी जानकारी आपको यहाँ पे सबसे पहले इस चैनल के अंदर मिल जाएगी, तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं गाइज 275 एप्लीकेशन की, यहाँ पे नाम निकल के आ रहे हैं। जी हाँ गाइज, 275 एप्लीकेशन इंडिया के अंदर बैन करने वाले हैं, जिसके के अंदर एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है पबजी मोबाइल। जी हाँ गाइज, इवन पबजी मोबाइल मैं भी बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। अगर आप चैनल को चेक करोगे, चैनल पे वीडियो देखोगे, तो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे अगर वीडियो है तो वो सिर्फ पबजी मोबाइल के हैं गाइज। जी हाँ, और यहाँ पे इंडिया के अंदर 47 एप्लीकेशन आज और कल में बैन हो ही जाएंगे। जी हाँ गाइज, 47 एप्लीकेशन इंडिया के अंदर आज और कल में बैन हो ही जाएंगे। बट इसके साथ साथ 59 और ऐप्स हैं जो कि लिस्ट अभी तक बाहर नहीं आई कि उन लिस्ट में कौन कौन से एप्लीकेशन से यहाँ पे पबजी बैन पक्का होने वाला या नहीं। बट अगर चाइनीज़ एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए तो चाइनीज़ एप्लीकेशन पूरी तरह से पबजी चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे ये दो कंपनियों के कोलाबरेशन से बना हुआ, यानी कि अगर हम कहें कि ये पूरा चाइनीज़ एप्लीकेशन है तो ये भी गलत है, और अगर हम कहें पूरा चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, ये प्योर चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं गाइस गलत होता है। ये पूरी तरीके से चाइनीज़ एप्लीकेशन है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10% यहाँ पे चाइनीज़ एप्लीकेशन में इसका नाम आ ही जाता है। और यहाँ पे आप बात करें गाइस कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे पबजी यूज़ करते हैं, क्या सच में बैन होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे 24% गाइस, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, और ये 24% लोग वो हैं गाइस जो कि मतलब जिन्होंने डाउनलोड किया है, बट जो लोगों ने शेयर करके लिया हुआ है उन लोग की यहाँ पे कोई गिनती नहीं बताई गई है, आप लोग को सबसे पहले बता दूँ ये। और यहाँ पे टिकटॉक की अगर बात करें तो आप सब देख ही सकते हो, पढ़ सकते हो गाइस कि यहाँ पे 30% मतलब यहाँ पे ग्लोबल डाउनलोड थे टिकटॉक के, बट टिकटॉक बैन करने का कारण बहुत ज़्यादा था और बहुत सही हुआ वो, एक्चुअली कोई गलत बात नहीं थी। बट अगर पबजी के हिसाब से देखा जाए तो पबजी को बैन करने का या बंद करने का या मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा कारण उभर के नहीं आ रहा है। अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये कहीं ना कहीं दोनों एप्लीकेशन हमारे लिए हानिकारक बताए जा सकते हैं, और इनमें से एक तो बताया गया है जिसके वजह से टिकटॉक बैन हो चुका है। बट यहाँ पे जैसा अलग चीज़ों की बात है, पबजी के बारे में बात करें तो पबजी यहाँ पे जो एक्सेस आपको मांगता है, जो कि माइक्रोफोन और स्टोरेज और अदर्स में आप सब देख सकते हो, कुछ छोटे छोटे यहाँ पे जो मतलब आपको चीज़ों के एक्सेस मांगता है, तो वो मतलब कोई बहुत हानिकारक चीज़ नहीं है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कम नहीं है, तो यहाँ पे शायद ये बैन नहीं होने वाला था। थोड़ी सी राहत की बात आपके लिए, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने नहीं कहा है कि पबजी बैन ही कर देंगे या पबजी चाइनीज एप्लीकेशन से या यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये हमारे लिए हानिकारक है। गाइज मेन कारण ये नहीं है कि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन से हमारा चाइना से कुछ अलग से सीन चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे बैन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं गाइज। यहाँ पे एप्लीकेशन बैन करने का एक कारण बताया जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा डेटा यूज़ करता है। जी हाँ गाइज, डेटा यूज़ यानी कि आपके फ़ोन में जो कुछ भी आपकी प्राइवेसी होगी गाइज वो शायद यहाँ पे लीक कर सकते हैं ये एप्लीकेशन। बट यहाँ पे अगर प्राइवेसी लीक करने का देखा जाए तो पबजी का नाम इसमें बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि पबजी आपको दो एक्सेस मांगता है, तो उन दो एक्सेस में एक एक्सेस का आपको प्रॉब्लम आ सकता है पबजी बैन होने में। जो एक एक्सेस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोफोन का मतलब आप जो कुछ भी पबजी के अंदर एक दूसरे से बात करते हो अपने फ्रेंड के साथ में, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, और ये कहीं ना कहीं अगर लीक हो गया या मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, तो ये एक कारण यहाँ पे पबजी को बैन करने का बहुत बड़ा कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। बट अगर पबजी बैन कर दिया तो यही कारण आपको बाहर निकल के आने वाला है कि कहीं ना कहीं जो कुछ आप बात करते हो या जो कुछ आप मतलब शेयर करते हो, वो सब चीज़ें जो आप पबजी के ऊपर एक दूसरे से शेयर करते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे लीक हो सकती हैं, वो बातें लीक हो सकती है। ये एक कारण यहाँ पे बहुत बड़ा पबजी को बैन करने का बताया जाएगा। बट यहाँ पे टिकटॉक की अगर बात करें, टिकटॉक बैन क्यों हुआ, तो आप सभी को पता है कि टिकटॉक के ऊपर किस तरह के कंटेंट यहाँ पे देखे जा रहे थे। कुछ बच्चे भी यूज़ करते हैं टिकटॉक को, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा गलत था सीन वो, कि अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं और इस पर इस तरह के अगर
कंटेंट बताए जा रहे हैं। तो गाइज पबजी पूरी तरीके से बैन होने वाला है इंडिया के अंदर, ये बात बिल्कुल झूठ है गाइज। पबजी यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब बैन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। शायद पबजी यहाँ पे बैन ना हो, और होता भी है तो अगर नहीं भी होता है तो आपको उसकी पूरी अपडेट अगले वीडियो में मिली जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी राहत की बात आपके लिए है तो डरना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टाटा सी।